वैश्विक स्तर पर जारी कोरोना महामारी सभी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। पिछले दो साल से जारी संक्रमण में वायरस के कई तरह के नए वेरिएंट देखने को मिले हैं। इनमें से कुछ की प्रकृति भी एक दूसरे से भिन्न देखी गई है। कोरोना के उभरते हुए वेरिएंट से बचाव के लिए वैज्ञानिक दो डोज वाली वैक्सीन के बाद लोगों को बूस्टर शॉट देने की सलाह देते हैं। इसमें शरीर में नए वेरिएंट के मुकाबले के लिए मजबूत प्रतिरक्षा विकसित करने में मदद मिलती है। हालांकि जिस तरह से एक के बाद एक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, इससे विशेषज्ञों की चिंता को और बढ़ा दिया है। असल में महामारी की शुरुआत में कोरोना वायरस के मूल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए टीके तैयार किए गए थे। हालांकि समय के साथ वायरस में हुए म्यूटेशन ने इन टीकों की प्रभाविकता को कम कर दिया है। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए हाल में शोध के आधार पर वैज्ञानिकों की एक टीम का कहना है कि आने वाले समय में वैक्सीनेशन में अपडेशन की आवश्यकता हो सकती है। विशेषज्ञों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जिस तरह से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट उभर रहे हैं, ऐसे में भविष्य में कोविड 19 बूस्टर शॉट्स के लिए नए फॉर्मुलेशन की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं वैज्ञानिकों का इस संबंध में और क्या कहना है। टीके प्रभावी पर समय के साथ अपडेशन की जरूरत है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड 19 से बचाव के लिए प्रयोग में लाए जा रहे अब भी नए वेरिएंट से होने वाले संक्रमण के गंभीर मामलों और इसके कारण होने वाली मौतों से सुरक्षित रखने में सहायक हैं। पर जिस तरह से अधिक संक्रामक नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, साथ ही समय के साथ लोगों की प्रतिरक्षा कम होती जा रही है, ऐसे में हमें टीकों में अपडेशन को लेकर विचार करना चाहिए। टीकों के नए फॉर्मुलेशन और अपडेशन का मतलब नए वेरिएंट की प्रकृति के आधार पर इसमें बदलाव और वैक्सीन की 3 या 4 खुराक देने की आवश्यकता से है। बार बार वैक्सीनेशन होगी जरूरत। वायरस के प्रति टीकों की प्रतिरोधक क्षमता को लेकर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक ने बताया है कि अक्सर ये पूछा जाता रहा है कि भविष्य में लोगों को कितनी बार टीके देने की आवश्यकता हो सकती है। फिलहाल ये तो समझना आवश्यक है कि कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसके आधार पर ये तय किया जा सके कि आगे कौन सा नया वेरिएंट आएगा और भविष्य में ये वैक्सीन लोगों को सुरक्षित रखने में कितनी सहायक होगी। इस सवाल के बारे में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि वायरस में म्यूटेशन के साथ हमें वैक्सीन के अपडेशन की जरूरत पर ध्यान देना होगा। वैक्सीन अपडेशन की आवश्यकता। वैज्ञानिकों का कहना है कि SARS-CoV-2 का प्रसार जारी है और इसके एंडेमिक होने की संभावना है। ऐसे में संभव है कि लोगों को निकट भविष्य के लिए समय समय पर बूस्टर शॉट की आवश्यकता हो सकती है। वायरस खुद में म्यूटेशन करने में आसानी से मानव कोशिकाओं में प्रवेश कर लेता है, जबकि हमारे पास अभी वायरस के मूल स्ट्रेन के आधार पर ही टीके हैं। टीके आपके शरीर को एक विशेष स्पाइक प्रोटीन को पहचानने के लिए डिजाइन किए गए हैं। चूंकि वायरस का स्पाइक प्रोटीन समय के साथ बदलता जा रहा है, ऐसे में इससे सुरक्षा के लिए हमें वैक्सीनेशन के समय के साथ नए फॉर्मुलेशन की आवश्यकता पर जोर देना होगा। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।